अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मवान, मार्केटिंग मैनेजर प्रोफेशन 5, और मेरे साथ मौजूद है राजा साहब। राजा साहब, कल भी हमने वीडियो में लोगों को अकोमोडेशन का तरीका समझाया था, लेकिन लोगों को अभी तक अकोमोडेशन का तरीका समझ नहीं आ रहा। और 25% वाला जो फर्स्ट फेज है वो 25 मई को क्लोज होने वाला है, लेकिन लोगों को अभी तक अकोमोडेशन में बहुत ट्रबल है। तो मैं चाहूंगी आज आप, क्योंकि डॉलर के रेट भी बहुत तेजी से फ्लैक्चुएट हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों को आज फिर समझा दें कि अकोमोडेशन का तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। यस, दिस इज फैक्ट कि मैंने आज दिन में डायरेक्ट ग्रुप में और पर्सनल ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी 2-3 वॉइस नोट्स भेजे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं समझ आ रही कि इतने मैसेजेस इतने के जी समझ ही नहीं आ रही, और हर दोस्त अपनी अपनी राय दे रहा है। मैं आसान लफ्जों में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जहन में रखिएगा, जो फिक्स डॉलर्स की बात हो रही है दैट इज ओनली फॉर अकोमोडेशन पर्पस, रेगुलर सिस्टम के लिए नहीं है। रिपीट करूंगा कि वो सिर्फ और सिर्फ फॉर अकोमोडेशन पर्पस है। रीजन क्या आपके सामने है कि जिस तरीके से डॉलर इतना बुरे तरीके से फ्लैक्चुएट कर रहा है कि कभी ऊपर है तो कभी नीचे है, तो वहां पे अगर एक डॉलर भी अगर नीचे हो जाए तो फिर सिस्टम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो मैंने फिर फाइनली रिक्वेस्ट की आईटी टीम से कि यार इसका कोई ऐसा हाल निकाले, रीजन के बड़ा टाइम लग रहा है, आप लोग भी परेशान होते हैं, जितने आप परेशान होते सारे के सारे मैसेजेस मुझे आ रहे होते, फिर मैं आईटी को भेज रहा होता हूँ, तो समझ लें कि सारा दिन इसी दिमाग खपाई में लग जाता है। तो उस चीज़ से निकलने के लिए मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने फिर इसका एक हल दिया और वो था फिक्स्ड डॉलर का। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आपने बी फॉर यू का डाटा मंगवाया, वेरिफिकेशन के बाद जब आपके पास जो डाटा पहुंचा, जो आपको डॉलर नजर आते हैं वो बी फॉर यू के हैं। आपको भी पता है कि बी फॉर यू का डॉलर था 150 का। मैं बिल्कुल एक छोटी कैलकुलेशन पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल आपने $500 जो है वो इन्वेस्ट किए थे बी फॉर यू में, $100 सपोज कि आपने विड्रॉ करा लिया था, वॉट एवर इज, जो आपका रिमेनिंग बैलेंस बचा वो बचा $400। अब $400 को अगर हम 150 से जरब देंगे बी फॉर यू वाले डॉलर से, वो बनेगा 60,000, 60,000 रुपए। अब बजाय इसके कि आप करंट रेट पे आप उसकी कैलकुलेशन करें, जो भी वो उस वक्त यूएसडीटी का रेट है वो 306 है, 305 है, 302 है, वॉट एवर इज, वो नीचे आ जाता है, कुछ भी है, वो 350 का हो जाए, वो 400 का हो जाए, आपने करना क्या है, उस 60,000 को आप जब 300 पे तकसीम करेंगे तो उसका जब जवाब आएगा तो वो जवाब आएगा 200। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 200 USDT ये आपका बनता है। अब उस 200 का 25% आपने डिपॉजिट कराना है, और वो उसका 200 का 25% कितना होगा, सिर्फ $50। $50 आपने डिपॉजिट करवा दिए USDT के, और $200 का आपका USDT का आपका अकाउंट लग गया। अब ये जो $200 वाला आपका अकाउंट है ये $400 में कन्वर्ट होगा 24 माह में, और इन 24 माह में आपको 300 के ही हिसाब से जो है वो सिर्फ अकोमोडेशन का जो ROI आपको आएगी वो 300 के हिसाब से ही फिक्स रेट पे आएगी, ना आपको कोई ट्रबल होगी ना आईटी वालों को कोई ट्रबल होगी। ये एक बहुत आसान तरीका है और ये सिर्फ अकोमोडेशन के लिए, जो आपका फ्रेश डिपॉजिट हो रहा है वो करंट रेट पे ही होगा, वो जितना होगा वो उसी हिसाब से हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और भी है कि अहबाब पूछते हैं कि विदड्रॉल की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो विदड्रॉल की सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जैसे कि ऑलरेडी हैं। डिफरेंट मद में जब आपके पास जो भी अमाउंट आता है, मिसाल के तौर पे किसी का ROI आ गया, किसी का रेफरल आ गया, किसी का एफिलिएट आ गया, तो उसको पहले आप कैश बॉक्स में ट्रांसफर करते हैं। कैश बॉक्स में ट्रांसफर करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी है सेम वही के वही रहेंगे। फिर उस कैश बॉक्स से आपने अपने वॉलेट एड्रेस में, जो कैश वर्थ का वॉलेट है, वहां पे आपने ट्रांसफर करने होंगे, और फिर वहां से आपने अपने बाइनेंस या ट्रस्ट वॉलेट, जो भी आपने एड्रेस दिया हुआ है, वहां पे आप इसको विड्रॉल करा सकेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इससे आसान और कोई तरीका नहीं है। तो अब भी अगर आप ना समझें तो बस फिर साढ़ा अल्लाह ही हाफिज है, मैं और इसके अलावा क्या कह सकता हूँ। तो ये इसका उम्मीद है कि कैलकुलेशन और अकोमोडेशन का जो तरीका है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।